अभिनव। हाँ अभिनव, तुम ये क्या कर रहे हो? यार मैं ना अपनी पेंटिंग बना रहा हूँ। पेंटिंग? तुम पेंटिंग क्यों बना रहे हो? कल को अगर मैं बहुत मशहूर हो जाऊँ तो मेरी फैंस के पास एक पेंटिंग तो होनी चाहिए खरीदने के लिए। कभी कभी अभिनव तुम क्या बात करते हो ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। अरे यार तुमको पता है आज की डेट में पेंटिंग कितना बड़ा बिजनेस है? विराट कोहली को जानते हो? सब जानते हैं। तो विराट कोहली की एक पेंटिंग बनाई है मशहूर पेंटर साशा जाफरी ने, जिसे उनकी फैन पूनम गुप्ता ने, बताओ कितने में खरीदा होगा? 10 लाख। तुम यार गरीबों वाली बातें मत किया करो, वो पेंटिंग बिकी है 2,40,00,000 रुपए में। इतने हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं कमाए होंगे। गुड, तुम पेंटिंग बनाओ। Exactly. अरे प्रणब मुखर्जी का टेन्योर 24 जुलाई को खत्म हो रहा है ना? हाँ। तो जो नए कैंडिडेट होंगे उन सबकी कोई लिस्ट विस्ट आई है? क्या है खबर? हाँ, खबर का क्या है और लिस्ट क्या आनी है? एनडीए ने तो आज मीटिंग में बोल दिया है कि अपना राष्ट्रपति कैंडिडेट वो लोग 23 जून को डिक्लेयर करेंगे। ओके, और यूपीए? यूपीए मतलब विपक्ष। हाँ। अरे वो तो सिर्फ हम लोगों को तारीख पर तारीख दिए जा रहा है और मीटिंग से किए जा रहा है। तो चलो यार उन्हें मीटिंग ही करने दो। वैसे मैं तुमको एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव का पूरे का पूरा शेड्यूल आ चुका है। राष्ट्रपति चुनाव के नॉमिनेशंस फाइल होंगे 28 जून को। okay. और 17 जुलाई को इसकी वोटिंग होगी। तो चलो देखते हैं कौन बनेगा राष्ट्रपति। कोई ना पहुंचे जहां, शिवराज पहुंचे वहां। भाई क्या बात कर रही है तू? ये तुम्हें नहीं पता? नहीं तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां पर ज्योतिराव सिंधिया नहीं पहुंच पाए, राहुल गांधी पहुंचे तो वहां बहुत बड़ा ड्रामा हो गया और अब सीएम साहब वहां पर बड़े ही आराम से पहुंच गए। क्या तुम्हें पता है कि सीएम के वहां पहुंचने से पहले वहां पर धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे तो सारी धाराएं बड़ी ही आसानी से हटा ली गई। तो वहां हुआ क्या फिर आखिरकार? होना क्या है, किसानों के परिजनों ने उनके आगे थोड़ी बहुत मांगे रखी हैं। अब देखो आगे क्या होता है। नेता तो मांगे कितनी पूरी करते हैं हम जानते हैं। आजकल हर एक चीज का ऐप है, खाना मंगाने का ऐप, शॉपिंग करने का ऐप, और अब तो ब्लड डोनेशन का भी एक ऐप आ गया है। हम बात कर रहे हैं सिंपली ब्लड नाम के इस ऐप की, जिसके जरिए जरूरतमंदों को समय पर ब्लड मिल सकेगा। पढ़िए स्मृति चंदेल की ये रिपोर्ट। किसानों के लिए आज बड़ी राहत का दिन है। सरकार की एक स्कीम थी जिसके तहत उन्हें 1 साल के लिए 3 लाख रुपए मिलते थे और उसके लिए उन्हें 7% का ब्याज देना पड़ता था। उस स्कीम को सरकार ने जारी रखने का फैसला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसान जल्दी लोन भरेंगे तो उन्हें 4% का इंटरेस्ट रेट ही देना पड़ेगा। ये स्कीम मार्च 2017 में बंद कर दी गई थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद इसे फिर से 2017-18 के लिए कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की बात का आपको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप उनको फोन करते हैं और वो कहते हैं कि आपका कॉल होल्ड पर रखकर हम आपका काम कर रहे हैं, तो दरअसल वो ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। वो घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, पिज्जा खा रहे होते हैं। देखिए क्विंट हिंदी की ये मजेदार वीडियो स्टोरी।